बक्सर जिले के बक्सर ब्लॉक के पांडेपट्टी पंचायत के पांडेपट्टी गांव में 7 सालों से उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जो कि अभी लगभग 4 सालों से बंद पड़ा है, जिससे वहां के लगभग 2000 लोगों को हो रही है परेशानी। यहाँ तो हम लोग के हॉस्पिटल में काम मिलेला व्यवस्था बा कोनो कोनो व्यवस्था नहीं है। गरीब आदमी बने हो व्यवस्था कोनो नहीं है। कौन तुम खाई हो तो काम हम करियो खुले लखी ना हो ना कोबो ना खोले ला ओइसे ना 4 महीना 5 महीना पे एक दिन खुल गेल खोल गेल आ एक दु एगो दुगो टिकिया मिली नहीं तेकर बाद टिकिया ना मिली। डॉक्टर में पर इवेन कहना डॉक्टर ना न सको इवेन ना करेला 2 महीना में 4 महीना में एक बार खोलियो एक घंटा खातिर खोलियो लगा बंद आ दवाई खातिर जा तो कहेंगे बुखार से दी बुखार करने के है आयरन के गोली लाया तारे हमेशा आयरन के गोली खाई। बच्चन का दवाई मिलला कि ना बच्चन को कोई दवाई ना मिलेला मिली है तीचू की टिकाई मिली कहेंगे 4-5 फर्क किया दिया हमेशा पेन का कुछ भाई तो पायलट में जाए ले जाँच करा के ले जाएगा बाड़ी को ना काम खातिर भाई की कोई हम लोग कोई लाभ नहीं खे तारा साथ वाला समस्या की और आदमी के साथ भी होगा सबके साथ है बा हमारे साथ नहीं के सबके दुख बा लेकिन हम लोग दुख बा ज्यादा के तू कोई अमीर बा कोई गरीब बा। यहाँ पे विधि व्यवस्था ठीक नहीं है बरसात के दिन में पानी लग जाता है अभी अभी आप देखिए चारो तरफ से पानी लगा हुआ है। डॉक्टर साहब वगैरह आते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब नहीं आते केवल एनएम आती है वो भी पाकर के उस दुकान के पास बैठती है वहीं पर लोग दवा लेकर चले जाते हैं। तो तू क्या चाहता लो चाह देखिए स्वास्थ्य केंद्र क्यों यहाँ पर कुल लोग बैठे कि अभी जाके दवाई बीरो ले समय चेक करावे। मैं समझ सकती हूँ कि एक गरीब परिवार के लिए प्राइवेट में इलाज कराना कितना मुश्किल है, इसलिए मैं और मेरा समुदाय चाहते हैं कि इस पांडेपट्टी गांव के पांडेपट्टी पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र में वो सारी सुविधाएं दी जाए जिससे इन सारे लोगों को परेशानी ना हो। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूं कि बक्सर सिविल सर्जन का मोबाइल नंबर 0183-2241-63 पर कॉल कर मेरी मदद करें। मैं ममता, जिला बक्सर, बिहार, इंडिया, अनहट के लिए।